बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मुझे उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज के लेक्चर का आगाज करते हैं हम चैप्टर नंबर 10 पढ़ रहे हैं, इसका नाम है किंगडम एंड एरिया। आज हम जो फाइलम स्टडी करने वाले हैं उसे फाइलम नेमाटोडा या एस्करमेंथिस कहा जाता है, या फिर राउंड वॉर्म्स भी इन्हें कहा जाता है। इस फाइलम के एनिमल्स की कुछ जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स आज हम डिस्कस करेंगे। सबसे फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें क्योंकि इसका नाम है नेमाटोडा, तो नेमाटोडा का मीनिंग है पॉइंटेड एंड्स। यानी क्योंकि ये राउंड वॉर्म्स भी ने कहा जाता है, ऐसे वॉर्म्स जिसके एंड्स जो है वो पॉइंटेड देखे जाए, नुकीले जो है वो देखे जाए। इस ग्रुप में पाए जाने वाले एनिमल्स जो हैं उनमें एलोंगेटेड वॉर्म्स आ जाते हैं, ऐसे वॉर्म स्ट्रक्चर जिनमें पॉइंटेड एंड्स जो है वो देखे जाते हैं। नेमाटोडा मोस्टली ट्रिप्लोब्लास्ट के कॉज रीजंस हैं। ट्रिप्लोब्लास्ट के यानी जिनकी डेवलपमेंट तीन सेल की लेयर से जो है वो देखी जाती है, वो तीन सेल की लेयर एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मीसोडर्म है। उसके अलावा सूडोसीलोमेट जो है ऑर्गेनिज्म इस ग्रुप में पाए जाते हैं। यानी जिनकी बॉडी में फॉल्स कैविटी देखी जाती है, प्रॉपर कैविटी स्ट्रक्चर नहीं पाया जाता, ऐसे ऑर्गेनिज्म इस ग्रुप में देखे जाते हैं। बॉडी की क्योंकि पॉइंटेड एंड्स से एक एंड जो है उसे एंटीरियर एंड कहा जाता है, जबकि दूसरा एंड जो है उसे पोस्टीरियर एंड कहा जाता है। एंटीरियर एंड बेसिकली हेड स्ट्रक्चर है, लेकिन इसमें हेड क्लियरली या प्रॉपरली इसकी फॉर्मेशन नहीं देखी जाती क्योंकि प्रॉपर सेंस ऑर्गन जो है वो नहीं पाए जाते। नेमाटोडा में बायलेटरल सिमेट्री देखी जाती है। बायलेटरल सिमेट्री यानी ऑर्गेनिज्म की बॉडी दो इक्वल हाफ में जो है वो डिवाइड हो सकती है। बॉडी जो है वो अनसेगमेंटेड होती है, इसमें कोई भी सेगमेंट से जो है वो नहीं देखे जाते। बॉडी कैविटी सूडोसीलोम है, फॉल्स कैविटी जो है वो देखी जाती है, एक हॉलो स्पेस जो है वो पाई जाती है। प्रॉपर सीलोम कैविटी की फॉर्मेशन जो है वो मीजोडर्म लेयर से देखी जाती है, लेकिन क्योंकि ये सूडोसीलोम है तो ब्लास्टुला स्टेज जब एक ऑर्गेनिज्म डिवेलप करता है एम्ब्रियो से, तो उस स्टेज में जब सेल्स डिवाइड करते हैं तो वहां पे एक ब्लास्टोसील कैविटी की फॉर्मेशन होती है। उस ब्लास्टोसील से ये फॉल्स कैविटी सूडोसीलोम की फॉर्मेशन देखी जाती है, क्योंकि मीजोडर्म से नहीं देखी जाती इसलिए ये ट्रू कैविटी नहीं कहलाती। अगर हम बात करें तो इन ऑर्गेनिज्म की बॉडी में बहुत से वैक्यूलेटेड सेल्स पाए जाते हैं। इन वैक्यूलेटेड सेल्स का काम जो है हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर जो है वो बॉडी में मेंटेन रखना है। वैक्यूलेटेड सेल्स पाए जाते हैं, इन सेल्स में प्रोटीन रिच फ्लूइड मौजूद होता है जो बॉडी में एक प्रेशर जो है वो मेंटेन रखते हैं। नेमाटोड्स की अगर हम साइज की बात करें तो नेमाटोड्स माइक्रोस्कोपिक फॉर्म में भी देखे जाते हैं, जबकि इनकी लेंथ जो है वो 1 मीटर तक भी जो है वो देखी जाती है। डाइजेस्टिव सिस्टम एलिमेंट्री के नाल जो डाइजेस्टिव सिस्टम है
होता है, इसे कहा जाता है ट्यूब विद इन ट्यूब। एक तो बॉडी स्ट्रक्चर है वो ट्यूब लाइक है, उसके अंदर भी जो है वो स्पेस मौजूद है, तो वो ट्यूब के अंदर एक ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर जो है वो देखा जाता है। एक्सक्रीटरी सिस्टम की अगर हम बात करें big
यानी नींद ना आना की कंडीशन देखी जाती है, लॉस ऑफ एपेटाइट यानी भूख ना लगना की कंडीशन जो है वो देखी जाती है। नेक्स्ट पैराग्राफ में क्वेश्चन लिख ले, डिस्क्राइब हुकवॉर्म्स। हुकवॉर्म्स में इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, इसका भी साइंटिफिक नेम आपको दिया गया है, एंसाइलोस्टोमा ड्यूडेनली इसका साइंटिफिक नेम है, कॉमनली हुकवॉर्म्स कहा जाता है। ये भी एक पैरासाइट है जो ह्यूमन स्मॉल इंटेस्टाइन में देखा जाता है और ज्यादातर एशिया की जो कंट्रीज है वहां पर कॉमन है, इसके अलावा नॉर्थ अमेरिका और यूरोप में भी लोगों में ये फॉर्म्स जो है वो देखे जाते हैं। ज्यादा डेंजरस क्यों है, बिकॉज इट है क्योंकि ये इंटेस्टाइन के अंदर जो विलायक स्ट्रक्चर है, इंटेस्टाइन के अंदर ह्यूमन इंटेस्टाइन के अंदर जो विलायक स्ट्रक्चर है उसके साथ अटैच होता है इन वॉर्म्स के अंदर हुक लाइक स्ट्रक्चर जो है सकर्स जो है इनके माउथ रीजन पे पाए जाते हैं, जिसके थ्रू ये अपने आप को होस्ट की बॉडी के साथ अटैच कर लेते हैं। इस तरह से इंटेस्टाइन में विलायक के साथ ये वॉर्म्स अटैच हो जाते हैं और वहां से ब्लड जो है वो सक करते हैं या ब्लड फ्लूइड जो है बॉडी का फ्लूइड जो है उससे अपना फूड हासिल करते हैं। अब यहाँ पे एक खतरनाक कंडीशन क्या देखी जाती है कि ये वॉर्म्स जब ब्लड पर फीड करते हैं, उसे ब्लड सक करते हैं बॉडी से, तो उस टाइम ये एंटीकोगुलेंट प्रोटीन्स जो है वो प्रोड्यूस करते हैं, यानी ऐसी प्रोटीन्स जो ब्लड की क्लॉटिंग नहीं होने देती। जैसे अगर बॉडी में किसी भी जगह पर कट लगता है, ब्लड निकलता है, तो बॉडी की तरफ से वहाँ पर ब्लड क्लॉटिंग प्रोटीन्स जो है खून को रोकने के लिए ब्लड को क्लॉट कर देती है, लेकिन क्योंकि ये वॉर्म्स ब्लड पर ही जो है फीड करते हैं, उसी से अपना फूड हासिल करते हैं, तो ये जब ब्लड पर फीड करते हैं, ब्लड को सक करते हैं बॉडी से, उस टाइम ये एंटी कोगुलेंट प्रोटीन्स बनाते हैं जो ब्लड को क्लॉट नहीं होने देती, ताकि ये ज्यादा से ज्यादा ब्लड जो है उसे सक कर सके। लेकिन आफ्टर फीडिंग जैसे ही ये ब्लड से अपना फूड हासिल कर लेते हैं, ये उस जगह को जब छोड़ते हैं तो वहां पे एंटी कोगुलेंट प्रोटीन्स नहीं रहती, ब्लड की क्लॉटिंग के लिए कोई स्ट्रक्चर नहीं रहता, जिसकी वजह से बॉडी में ब्लड जो है वो उसका वेस्टेज जो है वो स्टार्ट हो जाता है, ब्लीडिंग जो है वो बॉडी में स्टार्ट हो जाती है। ज्यादातर चिल्ड्रंस में ये वॉर्म देखे जाते हैं और चिल्ड्रंस में इस कंडीशन की वजह से एनीमिया की बीमारी भी देखी जाती है। एनीमिया की बीमारी जिसमें रेड ब्लड सेल्स में उनकी डेफिशिएंसी हो जाती है, बॉडी में कमी हो जाती है, हीमोग्लोबिन की कमी देखी जाती है, या फिर इन वॉर्म्स की वजह से चिल्ड्रन में फिजिकली या फिर मेंटली प्रॉपर ग्रोथ भी नहीं देखी जाती, फिजिकल या फिर मेंटल रिटार्डेशन यानी एबनॉर्मैलिटी जो है वो देखी जाती है। ये यहाँ पे आपका टॉपिक जो है फाइलम नेमाटोडा का कंप्लीट होता है। कुछ बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स जो है इस फाइलम के हमने डिस्कस किए, इन्हें ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स कहा जाता है, यानी तीन सेल की लेयर से मिलकर ये ऑर्गेनिज्म जो है वो बनते हैं, जिन लेयर्स को एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मीजोडर्म कहा जाता है, लेकिन ये सूडोसिलोमेट्स हैं, यानी इनमें ट्रू कैविटी नहीं पाई जाती, ट्रू कैविटी उनमें पाई जाती है जिनमें मीजोडर्म से कैविटी की फॉर्मेशन देखी जाए, लेकिन क्योंकि इन वॉर्म्स में कैविटी की फॉर्मेशन ब्लास्टोसील से देखी जाती है। ब्लास्टोसील एक ऐसी कंडीशन है जब एक ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ स्टार्ट होती है आफ्टर फर्टिलाइजेशन जायगोट से एम्ब्रियो तक की जो फॉर्मेशन देखी जाती है, उन स्टेजेस में जब सेल्स डिवाइड करके एक सेल से बहुत से सेल प्रोड्यूस करते हैं उसे ब्लास्टुला स्टेज कहा जाता है। ब्लास्टुला स्टेज में बहुत से सेल्स बनने के बाद वो सेल्स लेयर्स में जब अरेंज होते हैं तो इन लेयर्स के दरमियान एक स्पेस जो है वो बनती है जिसे ब्लास्टोसील कैविटी कहा जाता है, क्योंकि ये ऑर्गेनिज्म में जो एक सिलोम एम्प्टी स्पेस बॉडी में बनी है वो ब्लास्टोसील कैविटी की वजह से बनी है, जिसे इन्हें सूडोसिलोमेट्स कहा जाता है। तो यहाँ पे आपका आज का टॉपिक जो है वो कंप्लीट होता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट सेक्शन में नेक्स्ट फाइलम के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।